नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आदिवासियों को सदियों से दबाया गया, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संविधान में संरक्षण के बावजूद देश में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है, सदियों से इन्हें दबाया गया, आज भी यही मानसिकता है। बता दें, शनिवार देर शाम वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं एक आदिवासी हूँ और मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचा हूँ, लेकिन यह आसान नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के लिए पॉलिसी में बात तो की जाती है, लेकिन कार्य इसके विपरीत हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 24 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 21 फरवरी से राज्य में मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दो न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये गिरावट आने वाले 3 दिनों तक जारी रहेगी, इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। नर्सरी से 7वीं तक प्राइवेट स्कूल अप्रैल से खुलेंगे। राज्य के निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र अर्थात अप्रैल माह से प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने के पक्ष में है। बता दें, राजधानी रांची स्थित कई बड़े स्कूलों के प्राचार्यों ने शिक्षा सचिव से मिलकर इसकी मांग की है। निजी स्कूल कोरोना से सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह अन्य राज्यों में इसकी अनुमति दी गई है, उसी तरह झारखंड के स्कूलों को भी अप्रैल से प्राइमरी कक्षाओं को भी खोलने की अनुमति मिले। बताया जाता है कि शिक्षा सचिव ने स्कूल को इसे लिख कर देने को कहा है। मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं के सफल संचालन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे लाभुकों का समय बच सकेगा और उचित समय पर अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा। सभी विभाग अपनी समन्वय बनाकर लाभुकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाए। बता दें, मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में बोल रहे थे। रैली में भाड़े के ट्रैक्टर और कांग्रेस के नेता दिखे बीजेपी। कांग्रेस की हजारीबाग की ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन को प्रदेश भाजपा ने फ्लॉप करार दिया है। बता दें, प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि रैली में किसान नहीं दिखे, केवल भाड़े के ट्रैक्टर और कांग्रेस के नेता ही नजर आए। बता दें, सम्मेलन स्थल की कुर्सियाँ खाली पड़ी रही और भाड़े के ट्रैक्टर बैनर लगाकर चिप्स और पत्थर ढोते रहे। रांची के लाइट हाउस परियोजना का बस्ती वासियों ने किया विरोध। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को फिर से लाइट हाउस परियोजना का निर्माण शुरू करने आई टीम का बस्ती वासियों ने जमकर विरोध किया। बता दें, शनिवार को अचानक दोपहर लगभग 12 बजे निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रशासन के साथ आए अधिकारियों को देखते ही आसपास के बस्ती वासी एकजुट हो गए और विरोध करने लगे। इसे देखते हुए प्रशासन और उनके लोग दोपहर 2:30 बजे वापस चले गए। झारखंड में किसानों का 50,000 तक कृषि ऋण माफ। झारखंड में किसानों का 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण सरकार द्वारा माफ किया जा रहा है। हालांकि किसानों को इसके लिए पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। इसके लिए रांची से सटे बेड़ो प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शनिवार को झारखंड किसान ऋण माफी योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यशाला में मुख्य रूप से BDO विजय कुमार सोनी, BEO विधायक प्रतिनिधि। नीति आयोग की बैठक में PM के साथ CM हेमंत सोरेन। नीति आयोग की बैठक हो रही है। बता दें, इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाग ले रहे हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग 2021 की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ऑनलाइन शामिल हुए। बता दें, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर रहे हैं। रांची से CM के साथ झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी शामिल हैं। व्यापार आसान बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। बच्चों व गर्भवती के लिए सोमवार से विशेष टीकाकरण अभियान। रांची समेत राज्य के 11 जिलों में नियमित टीकाकरण से छूटे हुए 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को लेकर सोमवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा। बता दें, सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत यह अभियान 2 चक्रों में चलेगा।
इसमें पहला चक्र 22 फरवरी को शुरू होकर 8 मार्च तक और दूसरा चक्र 22 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत जो भी गर्भवती महिलाएं व बच्चे नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। झारखंड में 37 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 21, पूर्वी सिंहभूम 7, धनबाद 6, गुमला 1, लातेहार 1, दुमका से 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1084 है। वहीं झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 459 है। भारत में 13,919 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 156,339 है। वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 142,691 है।